हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी सार के मोबाइल सॉल्यूशन में। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया है जो कि पोको एक्स थ्री का हैंडसेट है। कस्टमर का कहना है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो जो हमारा रियर कैमरा जो बैक कैमरा है वो तो इजीली चल जाता है, जैसे ही हम फ्रंट कैमरा को ऑन करते हैं तो जो हमारा कैमरा है वो ब्लर हो जाता है और कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। हैंडसेट हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में है, देख सकते हो हमारा बैक कैमरा है जो कि बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अभी देख सकते हो जो हमारा बैक कैमरा है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, और अभी देख सकते हो जैसे ही फ्रंट कैमरा पे मैंने स्विच किया है तो देख सकते हो यहाँ पे जो कैमरा है, जो हमारा स्क्रीन है बिल्कुल ब्लर हो चुका है। और ये देख सकते हो कुछ टाइमिंग 3 सेकंड का टाइमिंग देता है और जो हमारा ऑटोमेटिकली ये कैमरा का जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, तो चलो फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी ऐसा हैंडसेट है, आप अगर एज ए कस्टमर हो, अगर आपको हैंडसेट मेरे पास भेजना है, मेरे से रिपेयर कराना है, अगर मेरा काम देख के अगर आपको अच्छा लगता है तो दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप अपना फ़ोन यहाँ मेरे पास कुरियर कर सकते हो और आपका 100% हैंडसेट बन के ऐसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हो फ़ोन हमने ओपन कर लिया है और इसका जो सिम ट्रे वगैरह है, इसका जो कैमरा कनेक्टर है, जो भी सारे चीज़ें हैं, हम इसको निकाल के फिर इस पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम आता है, अपने कई सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे और जिनके पास इसके जो भी टेक्नीशियन भाई है उन्होंने भी शायद काफ़ी सारे काम किए हैं, जो चिप लेवल के ऊपर जो काम करते हैं, एडवांस लेवल के ऊपर जो काम करते हैं। तो देख सकते हो हमने माइक्रोस्कोप की स्क्रीन ऊपर आ चुकी है और जो हमारा इसके ऊपर जो सिलिकॉन जो हमारा हीट सिंक लगा होता है, जो सीपीयू गर्म होने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल करता है, उसको उस चीज़ को हमने हटा दिया है और जो भी हम काम करेंगे एकदम बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में हम काम करेंगे, क्लीन कंडीशन में काम करेंगे। क्योंकि देखो, जो भी हम काम करेंगे अगर सेफ तरीके से काम करेंगे, क्लीन करके काम करेंगे, तो कस्टमर को भी देखने के लिए अच्छा लगेगा और आपके पास वो दोबारा से आएगा और 1-2 कस्टमर 10 कस्टमर आपके पास लेकर आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही काम करोगे जिसमें पेस्ट लगे हुए होंगे, फिर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, क्लीन करके काम नहीं करोगे, सील वगैरह काट के हटा दिए है, देखने में एकदम बेकार लगता है, तो कस्टमर भी उसमें खुश नहीं होता है। तो देख सकते हो सबसे पहले जो हमारे सीपीयू के बाजू में जो ब्लैक पेस्टेड होते हैं उसको हमने कटिंग कर लिया है और इसका जो टेम्परेचर जो है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, तो उसमें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और यार मैं शो नहीं करता हूँ, और यार आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि 2 से 3.5-4 के बीच में आप जो एयर है उसको रख सकते हो अपने SMD के हिसाब से। जो टेम्परेचर है वो 250 रखा मैंने जब ग्लू कटिंग के टाइम। अभी जो हम CPU को जब हम निकालेंगे तब उसका टेम्परेचर रहेगा 340 से 350 तक के बीच में रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप दोगे तो CPU डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो हमारा जो CPU का जो निकालने का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली कंटिन्यू हम कर रहे हैं इसको। तो चलो वीडियो को एकदम मैं इसमें वॉइस ओवर अभी नहीं करूँगा जब तक कि हमारा हैंडसेट कम्प्लीटली इसका CPU रिवॉल्विंग वगैरह, ये तो नॉर्मल चीज़ है, सभी को अभी पता चली गया है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है,
तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने जो सीपीयू को है रिवॉल्विंग अच्छे से कर दिया है, और जो हमारा यूएफएस है उसको भी हमने अच्छे से कवरिंग कर लिया है, क्योंकि उस यूएफएस में हमें डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा हीट लग जाता है तो उसके सीपीयू के जो अपने यूएफएस के जो बॉल होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं, हमें फिर उसका जो यूएफएस है उसको भी रिवॉल्विंग करना पड़ता है, कई बार यूएफएस डैमेज भी हो जाते हैं। तो अभी भी बोर्ड हमारा गर्म है क्योंकि उसमें हमने सीपीयू इंस्टॉल किया है, तो जो हमारा बोर्ड है काफ़ी हीट होता है। तो देख सकते हो हमारे पास एक कूलिंग फ़ैन है जिसकी मदद से हम थोड़ा बोर्ड को ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम पूरे कूल होने के बाद उसको हम सारे कैमरा वगैरह को उसमें लगाएंगे, उसके बाद हम बोर्ड पे फिक्स करके देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। और एक बात कह देना चाहता हूँ, जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि शेयर करने के बाद हो सके कि आपके फ्रेंड को, शायद आपके रिश्तेदार कोई भी हो तो उनको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन भाई हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज वगैरह मिल जाएगा। और इसमें जो मैंने पेस्ट यूज़ किया था, इसमें नया पेस्ट यूज़ किया था, तो मैं कुछ इसमें 8-10-5 CPU को उसमें यूज़ करने के बाद इसका रिज़ल्ट मैं बताऊँगा। और पेस्ट का जो नाम है SD360 नाम करके, जो ट्रांसपेरेंट जो पेस्ट आता है वो वाला है, तो इसका रिज़ल्ट मैं आगे आपको बताऊंगा कुछ दिन काम करने के बाद। क्योंकि देखो मैं जो भी चीज़ें करता हूँ, अगर जो टूल्स अच्छे होते हैं उसी के बारे में मैं बात करता हूँ, जो ख़राब है उसके बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत ना जाए, आपके पैसे वेस्ट ना हो, उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, कोई भी नया चीज़ आता है तो मैं उसको, जैसे पेस्ट हो गया, छोटे मोटे चीज़ें, तो मैं आपको बता देता हूँ जो भी मैं ख़रीदता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो कैमरा वगैरह सारी चीज़ें को इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि कैमरा इसके लिए मैंने लगाया है क्योंकि इसमें कैमरा का ही प्रॉब्लम था, तो इस प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं वो चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर हम डायरेक्ट फ़ोन को बैक पैनल वगैरह को लगा के फिर डायरेक्ट कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। अगर आप एज ए कस्टमर है, आपको फिर से एक बार कह देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट कस्टमर आप देख रहे हो तो आपको अगर मेरा काम अच्छा लगा हो तो आप अपना हैंडसेट मुझे कुरियर कर सकते हो। आगे की जानकारी के लिए अगर आपको मन में कुछ डाउट वगैरह है तो दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उस नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और उसी टाइम मैं आपको एड्रेस वगैरह दे दूँगा, तो आप उस चीज़ पे आप हैंडसेट मुझे कुरियर कर सकते हो। अपना क्या प्राइस रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगा, आने जाने में कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा या तो फिर कॉल में बता दूंगा। देख सकते हो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, थोड़ा सा वेट करेंगे और जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं वो भी हम क्लियर कर देंगे। इतने सारे चीज़ें बताने के बाद फिर भी आपके मन में अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड फ़ोन हमारा सेकंड बूट पे चला गया है, क्योंकि देखो जैसे हम वन कंडीशन में जो फ़ोन होते हैं उसके अगर फ़ोन को बिना स्विच ऑफ करे अगर डायरेक्टली उसका बैटरी कनेक्टर को निकाल देते हैं, डिसकनेक्ट करते हैं, जब सेकंड टाइम हम फ़ोन को ऑन करने जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है फ़ोन को ऑन होने में। और अगर हम फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर उसको बैटरी कनेक्टर को अगर निकालेंगे तो फिर हमारा जो हैंडसेट है वो जल्दी से ओपन हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ है, जैसे अगर बैटरी कनेक्टर को डायरेक्ट निकालोगे तो सेकेंड टाइम हमारा फ़ोन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देख सकते हो फ्रेंड फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, अभी हम चेक करेंगे कि जो हमारा कैमरा का जो इशू था वो हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं। अभी भी फ़ोन थोड़ा सा लोडिंग में है क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो सारे एप्लीकेशन वगैरह लोड नहीं हो पाया है। अभी देख सकते हो सारी चीज़ें लोड हो चुका है, अभी हम कैमरा को ऑन करते हैं। देख सकते हैं जो हमारा बैक साइड है, जो हमारा बैक कैमरा है वो तो हमारा वर्किंग कंडीशन में ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फ्रंट कैमरा को स्विच करेंगे और देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। देख सकते हो फ्रंट कैमरा 100% हमारा वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है जिस फ़ोन से वो भी आपको हल्का सा दिख रहा होगा। ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम था 100%